राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा महादेव की शिवलिंग के समक्ष हाथ जोड़कर कहती हैं, हे महादेव, आज युद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपना आशीर्वाद श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और उनकी समस्त सेना के साथ बनाए रखें। और तभी कुछ स्त्रियाँ अत्यंत प्रसन्न हो रही होती हैं राधा पर और कहती है, स्त्री राधा से सभी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं, क्योंकि युद्ध में आज मेघनाथ लड़ने वाले हैं। जानती भी हो मेघनाथ कौन है? वो एक ऐसे योद्धा है जो आज तक किसी से भी नहीं हारे। तब उन्हें इंद्रजीत कहते हैं, क्योंकि उन्होंने देवराज इंद्र को पराजित किया है और अब उन्हें देवताओं के राजा नहीं हरा पाए तो तुम्हारे श्री राम क्या हराएंगे। और स्त्रियां अत्यंत प्रसन्न हो रही होती हैं और कहती हैं, आगे मेघनाथ तो श्री राम को एक बार में पराजित कर देंगे और सब मेघनाथ की जय जयकार करेंगे। और स्त्रियां जय जयकार कर रही होती हैं और राधा की पुष्प की थाली नीचे गिरा देती हैं और तभी स्त्रियों पर शक्ति प्रहार होता और नीचे गिर जाती हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि त्रिजटा आ जाती हैं और कहती हैं स्त्रियों से, तुम लोग सीता से कुछ कह रहे थे। और फिर स्त्रियां कहती हैं, नहीं त्रिजटा, हम तो बस। और तभी त्रिजटा कहती हैं, चले जाओ तुम लोग अभी इसी क्षण। और फिर स्त्रियां वहां से चली जाती हैं और फिर त्रिजटा राधा के समक्ष आती हैं और गिरी हुई पुष्पों की थाली लेती हैं और पुष्प उठाती हैं और राधा के समक्ष खड़ी होती हैं और कहती हैं, त्रिजटा क्षमा करना, इन्होंने आपकी पूजा में विघ्न डाला। और कहती हैं, परंतु आप चिंता मत कीजिए, युद्ध में विजय रावण की नहीं श्री राम की ही होगी। और फिर राधा कहती हैं त्रिजटा से धन्यवाद ये कहने के लिए। और कहती हैं राधा, आगे आप नहीं जानती कि आपने ये कहकर मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है, अन्यथा उस असुर का नाम सुन के तो मेरा हृदय ही बैठ जाता है। और फिर त्रिजटा कहती हैं राधा से, आप इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं सुनिश्चित करूँगी कि तुम्हारी पूजा में कोई विघ्न न डाल पाए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा और त्रिजटा दोनों ही महादेव की शिवलिंग के समक्ष हाथ जोड़कर कहते हैं, त्रिजटा कहती हैं, हे महादेव, मैं तो एक राक्षसी हूँ, पता नहीं आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे या नहीं, परंतु इतनी विनती करती हूँ आपसे कि आप सीता की प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए और श्री राम को आशीर्वाद दीजिए, जिससे युद्ध में विजय राम की ही हो। और फिर राधा देख रही होती है त्रिजटा को और फिर कहती हैं, राधा त्रिजटा से ऐसा प्रतीत होता है कि लंका में सिर्फ आप ही आलू हैं। और कहती हैं राधा, आगे जब से रावण ने मुझे बंदी बनाया अशोक वाटिका में, तब से आपने मेरा कितना ध्यान रखा है। आपको भले ही सभी राक्षसी के रूप में देखते होंगे यहाँ, किंतु मेरे लिए तो आप देवी त्रिजटा हैं। और फिर तभी त्रिजटा कहती हैं, आप जैसी देवी ने उस जैसी राक्षसनी को देवी कहा, मैं तो धन्य हो गई। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सुभद्रा पूछती हैं श्री कृष्ण से, लेकिन इस कहानी से हमारा क्या संबंध है भ्राता? और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, अत्यंत गहन संबंध है और कहते हैं, सुभद्रा से कहानी के अंत तक तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। अब सीता और त्रिजटा दोनों के विश्वास का परीक्षण हुआ, दोनों को विश्वास था कि श्री राम की ही विजय होगी। और फिर एक ऐसी सूचना सीता को मिली जिससे वो अत्यंत अचंभित हो गई। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि सीता शिवलिंग के समक्ष होती है महादेव की और कहती है, सूर्यास्त हुए कितना समय हो गया है और अभी तक युद्ध समाप्ति की कोई सूचना नहीं मिली। और तभी कुछ स्त्रियां आ जाती है राधा के समक्ष और कहती है, हमसे भयभीत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और कहती है, हम तुम्हें डराने नहीं आए हैं, हम तुम्हारे लिए उपहार लेकर आए हैं। और फिर सीता उपहार देखती हैं और पूछती हैं स्त्रियों से, ये श्री राम ने भेजा है मेरे लिए, कब लेने आ रहे हैं वो मुझे? और फिर स्त्रियां सीता की ये बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न होने लगती हैं। और फिर तभी सीता पूछती हैं स्त्रियों से, क्या हुआ युद्ध में? और फिर स्त्रियां बताती हैं, वही जो हमने कहा था, मेघनाथ विजयी हुए इसलिए लंकावती रावण ने हमारे लिए उपहार भेजे हैं,
क्योंकि अब तुम्हें उनसे विवाह जो करना है, और मेघनाथ और रावण की जय जयकार कर रही होती हैं स्त्रियां। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य महादेव को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, अपने नेत्र बंद करते हैं और अपनी शक्ति से महादेव को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे होते हैं। और महादेव के नृत्य से जो प्रकाश निकल रहा होता है, उस प्रकाश से महादेव को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे होते हैं असुर गुरु शुक्राचार्य। और कहते हैं अभी मुझे कुछ ही समय में ज्ञात हो जाएगा कि महादेव कहाँ हैं। और कहते हैं शुक्राचार्य आगे, उसके पश्चात अपस्मार महादेव के नृत्य को भंग कर देगा और विजय मेरी होगी कृष्ण, तुम्हारी पराजय। और असुर गुरु शुक्राचार्य प्रसन्न हो रहे होते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ देख रहे होते हैं दिव्य ऊर्जा को और कहते हैं प्रतीत होता है कि महादेव के नृत्य से निकली ये दिव्य ऊर्जा किसी भी क्षण कान्हा की माया को तोड़ ही देगी। अब क्या करूं मैं, मेरी तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। और फिर बलराम दाऊ हाथ जोड़ के प्रार्थना करते महादेव से, हे महादेव अपनी इस अपार ऊर्जा को नियंत्रित कीजिए, अन्यथा ये शुक्राचार्य को आपके स्थान का पता लग गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा महादेव, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और महादेव नृत्य कर रहे होते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ देखते हैं प्रकाश बढ़ ही रहा है और कहते हैं आगे, कदाचित महादेव तक मेरी प्रार्थना पहुंच ही नहीं रही है, अब मैं क्या करूं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव नृत्य कर रहे होते हैं और प्रकाश निकल रहा होता है बराबर। और फिर तभी अपस्मार कहता है अब ये कैसा प्रकाश है। और असुर गुरु शुक्राचार्य महादेव को ढूंढ रहे होते हैं अपनी शक्ति के द्वारा। और महादेव के नृत्य से निकल रहा अपार प्रकाश कृष्ण की शक्ति द्वारा जो मोर पंख रोक रहा था अपस्मार को, वो बलराम दाऊ के समक्ष लौट आता है और अपस्मार के समक्ष सब साफ हो जाता है। और असुर गुरु शुक्राचार्य अपनी शक्ति से महादेव का पता लगा लेते हैं और कहते हैं महादेव की ऊर्जा ने कृष्ण की माया को तोड़ दिया है, अब आगे बढ़ो अपस्मार। और आगे बताते हैं असुर गुरु शुक्राचार्य अपस्मार को, दो योजन उत्तर पूर्व दिशा की ओर तुम्हें जाना है, महादेव वहीं हैं। और फिर अपस्मार कहता है जो आज्ञा आचार्य। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ देखते हैं मोर पंख को और मोर पंख उठाते हैं और कहते हैं ये तो वही मोर पंख है, इसी मोर पंख से तो कान्हा ने माया रची थी अपस्मार को रोकने की। और फिर आगे आप लोग देखेंगे अपस्मार जा रहा होता है महादेव के समक्ष और कहता है अपस्मार आचार्य महादेव के डमरू की ध्वनि अब मुझे स्पष्ट सुनाई दे रही है। और कहता है आगे अपस्मार अब तो कृष्ण की योजना का अंत बिल्कुल निकट है आचार्य। और फिर बलराम दाऊ देख रहे होते हैं मोर पंख को और कहते हैं ये यहाँ आ चुका है तो इसका अर्थ ये है कि कान्हा की माया टूट चुकी है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है कृष्ण देवी सीता के दुख के विषय में स्मरण कर मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैंने उस घटना को पुनः जिया हो। और फिर सुभद्रा कहती हैं मुझे भी आभास हुआ है कि मैंने भी देवी सीता की पीड़ा का अनुभव किया है, किंतु मेरा मन इतना विचलित क्यों हो रहा है, राधा कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं तुम दोनों को सब समझ में आ जाएगा जब मैं आगे की कथा बताऊंगा। और फिर सुभद्रा कहती हैं तो जब देवी सीता को सूचना मिली मेघनाथ विजयी हो गया है और रावण उनसे विवाह करने वाला है तो उसके पश्चात क्या हुआ भ्राता। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं उसके पश्चात देवी सीता मूर्छित हो गई। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी सीता कहती हैं हे महादेव मेरे श्री राम लक्ष्मण सबकी रक्षा करना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कुछ स्त्रियां उपहार लेकर आती हैं और कहती हैं सीता से अब प्रार्थना करने से क्या लाभ, अब लंकापति रावण के साथ विवाह के पश्चात तुम्हें यहीं रहना होगा। और फिर सीता कहती है नहीं मैं रावण से कदापि विवाह नहीं करूंगी। और फिर स्त्रियां कहती हैं लंकापति रावण ने हमें आदेश दिया है मैं सज्ज किया जाए विवाह के लिए और हम लंकापति का आदेश पूर्ण करके ही रहेंगे। और फिर तभी त्रिजटा आ जाती है और कहती है स्त्रियों से रुको
और फिर स्त्रियां कहती हैं, त्रिजटा अब तुम हमें नहीं रोक सकती, हम लंका पति के आदेश का पालन कर रहे हैं। और फिर त्रिजटा कहती हैं, मैं तुम लोगों को रोकने नहीं आई हूँ, बल्कि ये बताने आई हूँ कि आज सीता को मैं सज्ज करूँगी विवाह के लिए। और फिर स्त्रियां कहती हैं, ठीक है, किंतु अगर सीता को समय से सज्ज नहीं किया विवाह के लिए तो लंका पति की क्रोध अग्नि तुम्हें झेलनी होगी, हमें नहीं। और फिर त्रिजटा कहती हैं, हाँ हाँ अब जाओ यहाँ से। और फिर स्त्रियां वहाँ से चली जाती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, सीता कहती हैं त्रिजटा से, मुझे लगा था कि इस लंका में केवल एक आप ही हैं जिसपे मैं विश्वास कर सकती हूँ, किंतु अब तो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। और फिर त्रिजटा कहती हैं सीता से, आपने मुझे देवी का सम्मान दिया है, मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। और कहती हैं त्रिजटा सीता से, मैं तो आपको एक शुभ समाचार देने आई थी। और बताती हैं, एक दिवस के लिए ही सही, किंतु मैंने रावण को मना लिया है, विवाह आज नहीं कल होगा। और फिर सीता कहती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कहती हैं, बस आप कैसे भी करके श्री राम तक मेरा संदेश पहुंचा दीजिए, जिससे वो मुझे यहाँ से ले जाएं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।